गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि कैसे हम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है, डेट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, इससे हमें पता है कि हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? एक तो रीज़न है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि जॉब्स अवेलेबल है पर उसके लिए रिक्वायर्ड जो लेबर फोर्स है उसके पास स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिल पा रहा है। और हमारे कंट्री में सिचुएशन किसकी आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की। वो सब बात की बातें हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, क्यों है, क्या है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जिसमें कोई आदमी सपोज करो काम ढूंढ रहा है बट उसे काम मिल नहीं पा रहा है। एक सपोज करो फ्री आदमी है, वो काम ही नहीं ढूंढ रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। द पर्सन हु इज सीकिंग अ जॉब बट इज नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, जो बताता कौन है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वो बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते हैं। NSSO कहता है कि हमारे यहाँ पे तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। या तो आदमी काम कर रहा है, सेकेंड काम ढूंढ रहा है अभी पर उसे काम मिला नहीं है, थर्ड ना वो काम ढूंढ रहा है ना उसे काम मिला है। और जो पहली दो चीज़ें हैं उससे मिलके बनती है लेबर फोर्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, डेट इज 1+2/1+2+3। तो इससे हम बता सकते हैं कि हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है इकोनॉमी के अंदर। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है, अगर उसे हमें समझना है तो एक बेसिक चीज है, सपोज करो हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? एग्रीगेट डिमांड। अगर सपोज करो मेरे पास पहले डिमांड थी 100 गाड़ियों की, तो सप्लाई भी हो रही थी 100 गाड़ियां, और साथ में मेरे पास लोग जो काम कर रहे थे, पीपल एम्प्लॉयड, वो 100 गाड़ियों को बनाने के लिए मेरे पास लोग लगे हुए थे 10। अब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, डिमांड सपोज करो 10 की रहेगी, किसकी? गाड़ियों की। तो सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंगली कम होगी, कितनी? 10 गाड़ियों की। पहले 100 गाड़ियों को बनाने के लिए 10 लोग लग रहे थे, 10 को बनाने के लिए सपोज करो 2 या 3 लोग लग रहे, मतलब बाकी जो 6-7 लोग है उसकी अब इस कंपनी को जरूरत नहीं है कार की मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है जब एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, उसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कम होती है उसकी वजह से लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, डेट इज अ केस ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरह का एक साइकिल होता है इकॉनमी के अंदर, ये हर टाइम देखने को मिलता है। रिसेंटली आपने देखा होगा मारुति सुजुकी के प्लांट्स में हुआ, कैसे कि ग्रोथ हमारी कम थी, डिमांड हमारी कम थी, सप्लाई कम हुई और लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया। ये बहुत बार हमें देखने को मिलती है इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स क्या क्या है, जैसे फ्रिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, अंडर डेवलप्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले कौन सी आती है? क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है, जो मार्केट वेज दे रही होती है और जो लेबर की डिमांड होती है वो मैच नहीं करती है, और वर्कर्स को ब्लेम करा जा रहा है क्योंकि आप इस वेज पे काम नहीं कर रहे हो तो आपको हम नौकरी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है? मिसमैच है किसके बीच में? मार्केट वेजेस और जो लेबर क्या कर रही है? डिमांड कर रही है। उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, डेट इज साइक्लिकल क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट इज ड्यू टू द रिजल्ट इन डाउनफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सप्लाई कम हो जाती है और लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसका नाम क्या पड़ता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में जो दिक्कत है ज्यादा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर इकोनॉमी का इस तरीके से है जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। कैसे? सपोज करो यहां पे एक जॉब अवेलेबल है जिसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए, एस वन। हमारे पास
जॉब अवेलेबल है, बट इस जॉब को लेने के लिए जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके पास ये स्किल सेट S1 नहीं है। मतलब क्या है, स्किल्स की वजह, कमी की वजह से वो ये जॉब नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं पर एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए। वो स्किल सेट क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे वो जो स्ट्रक्चर है इकॉनमी का, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक आदमी को एक स्किल सेट नहीं सिखा सकता, जिसकी वजह से वो स्किल वो सारी उम्र गैदर नहीं कर पाता और इस स्किल को कभी ओवरटुक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो क्रिएट होती है अनएम्प्लॉयमेंट, हम उसे क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करूं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल इज वेरी सिंपल। सपोज करो मैंने कोई जॉब छोड़ी है, ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूं, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। मतलब मेरे पास पहले एक जॉब थी J1, मैं जॉब मैंने छोड़ दी और मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूं J2, बट इसको ढूंढने के लिए मेरे को कुछ टाइम लग गया, तो जितना टाइम मेरे को इस जॉब को ढूंढने के लिए लगा है, फॉर दैट टाइम पीरियड आई विल बी फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। लास्ट वन इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली देखने को मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज में, पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सपोज करो एक फील्ड में 5 आदमियों का काम है, उनकी प्रोडक्टिविटी निकलती है 100%, बट एक्स्ट्रा 5 जाने अगर उसी फील्ड में काम करें और प्रोडक्टिविटी में कुछ एड ऑन ना करें, तो जितना काम उन्होंने एक्स्ट्रा 5 आदमियों ने करा है, उनकी जब हम प्रोडक्टिविटी निकालेंगे वो कितनी आएगी, 0। और वो जो 5 लोग लगेंगे, हमें लगेंगे इंप्लॉयड है, पर असल में वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये टाइप्स हैं किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, ये तो हमने टाइप्स डिस्कस करी है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है और कैसे इसे इंप्रूव करा जा सकता है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या मेजर ले रही है अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए।